प्रश्न चार शुरू करेंगे, 7.4 प्रश्नावली का अध्याय ये हमारा 7 है और क्लास है हमारी 6 हिंदी मीडियम मैथ्स। प्रश्न चार है, निम्न आकृति को देखिए और भिन्नों के बीच में उचित चिन्ह ये हमें लगाने, ये हमें देखना है आकृति और इसको देखकर हमने यहाँ पे चिन्ह लगाने। एक हमें दे रखा है 1/6 और दूसरा दे रखा है 1/3। अब 1/6 हमारा इधर आ रहा है और 1/3 हमारा कहाँ आ रहा है, हम इसमें देख लेंगे। 1/3 जो है हमारा आएगा ये रहा, ये हमारा आ रहा है 1/3, यानी कि ये हमारा बाई तरफ पड़ रहा है और ये हमारा दाई तरफ पड़ रहा है। तो जो दाई तरफ यानी कि इससे आगे है, थोड़ा सा इस साइड है, दाई तरफ है, तो जो दाई तरफ होगा वही हमारा बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे ही 3/4 और 2/6 को देख लो। 2/6 आपका इधर आ रहा है और 3/4 कहाँ आ रहा है, 3/4 इधर आ रहा है यानी कि इससे आगे, इसके दाई तरफ, 3/4 जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, 2/3 और 2/4, 2/3 ये रहा और 2/4 ये रहा, तो 2/4 से आगे है 2/3, तो ये हमारा बड़ा होगा। ठीक है, 6/6 और 3/3 दोनों एक साथ आ रहे हैं इसके अंदर, देखो यहाँ पे भी 6/6 आ रहा है और ये 3/3 आ रहा है, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, 5/6 और 5/5, 5/6 ये रहा और 5/5 यहाँ, यानी कि इससे आगे दाईं तरफ, तो 5/5 जो है वो बड़ा होगा। ऐसे ही आगे आपको 5 और अपनी तरफ से बनाने हैं। ठीक है, जैसे ये हमने किया। उसके बाद हम प्रश्न 5 देख लेते हैं, देखे कितनी जल्दी आप करते हैं उचित चिन्ह भरिए। आपको जो है देख के ही बताओ फटाफट जो आपको इसको करना है, किस तरीके से करेंगे। देखो, जब हमारे अंश एक जैसे होते हैं तो जो छोटा नंबर होता है उसको बड़ा कहते हैं, इसलिए ये बड़ा हो गया। यहाँ पर ये दोनों एक समान है, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 3 × 3, 3 × 2 = 6, यानी कि ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 बराबर हो गए। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों अंश भी अलग है, हर भी अलग है। इस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से गुणा किया और 5 को 2 से गुणा किया, तो 3 × 3 = 9 आ गया और 5 × 2 = 10, तो यानी कि 10 हमारा जो है क्या है वो बड़ा है। अब 2/3 को हम बड़ा कहेंगे, क्यों कहेंगे, देखो जिस नंबर से आप इसको गुणा कर रहे हो, देखो 5 को आप 2 से गुणा कर रहे हो तो वो आप नंबर देख लो, तो जिसके साथ हम गुणा कर रहे हैं 2, 5 × 2 = 10, इसकी वजह से ये हमारा जो है ये संख्या हमारी बड़ी आएगी, क्योंकि इसकी 5 को जब हमने 2 से गुणा किया तब 10 आया, इसलिए 2/3 वाली संख्या बड़ी होगी। अभी आपको आगे समझ आ जाएगा। 3/4 है और 2/8 है, यहाँ पे भी हमने क्या करा, 3 को 8 से और 4 को 2 से गुणा किया। जब 4 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 8, और जब 8 को 3 से गुणा किया तो हमारा आया 24, 8 + 24, यानी कि 8 को हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा एक बड़ा नंबर आ रहा है, इसलिए हम इसको 3/4 को बड़ा कहेंगे। देखो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ 8 लिखते हैं और यहाँ 3, ठीक है, जिस संख्या से हम गुणा कर रहे हैं वो हम इधर लिखेंगे। अब 8 को 3 से कर रहे हैं, 4 को 2 से गुणा कर रहे हैं, तो 8 को 3 से कर रहे हैं ना, 8 को जब 3 से किया तो 24 आया, तो ये संख्या बड़ी होगी। ऐसे ही यहाँ पर अब देखो दोनों के हर एक जैसे हैं तो हम बता सकते हैं कि 6/5 बड़ा है, यहाँ पे भी दोनों के हर एक बराबर है तो यहाँ पे 7/9 बड़ा है। यहाँ पर ये दोनों एक समान है, 2 × 2 और 2 × 2 = 8, 1/4, 1/4। यहाँ पर जो है हम इसको 4/5 जो है वो बड़ा होगा, इस केस में हम इसको कैसे करेंगे, इसमें भी हम गुणा करेंगे, 6 को गुणा करेंगे 5 से, 6 × 5 कितना आएगा, 6 × 5 = 30। अब यहाँ पे 10 को गुणा करेंगे 4 से तो 40, तो कौन सा बड़ा होगा, 40 वाला, यानी कि हमने 4 से जब गुणा किया तो 4/5 हमारा बड़ा होगा। ऐसे ही यहाँ पे 4 को 7 से और यहाँ पे 3 को 8 से, 3 को 8 से गुणा करेंगे और 4, यानी कि देखो हमेशा हम इधर वाली संख्या को इधर वाली संख्या से गुणा कर रहे हैं, 5 को 2 से किया था, फिर 3 को 9 से किया था, ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम 3 को 8 से और 4 को 7 से करेंगे, तो 3 को 8 से जब गुणा करेंगे तो 24 आएगा और 7 को जब करेंगे तो 28 आएगा, तो जब हमने 7 से गुणा किया तो 28 आया, तो 7/8 जो है वो बड़ी संख्या है।
ऐसे यहां पर ही हमारा आएगा 5, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, यानी कि दोनों हमारे ये बराबर है। ठीक है, प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 में निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती हैं, इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन 3 तुल्य भिन्नों के समूह लिखिए। यहाँ पे हमें कटिंग करनी है, सरलतम रूप में बदलना है। 2 एकम 2 और 2 छिक 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यहाँ पे हम करेंगे 2 से 2 चौक 8 और 2 को 50 से भाग किया तो 25, यानी कि 2 के टेबल से काटा हमने। यहाँ पे हमने 4 के 4 चौक 16 और 4 को 100 से किया तो 25। सेम टेबल जिससे ऊपर काटोगे उससे नीचे 0 से 0 काट दिए, 1 बटा 6 बचा। 15 एकम 15, 15 तीय 75, सॉरी 15 पंजे 75। यहाँ पे 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 16 एकम 16 और 16 छिक 96। यहाँ पे 3 चौक 12 और 3 को 75 से किया तो 25। यहाँ पे 12 एकम 12 और 12 छिक 72, 3 एकम 3, 3 छिक 18। यहाँ पे 4 बटा 25 जो है वो नहीं कटेगा, तो ऐसे का ऐसे रहेगा। अब जो 1 बटा 6 जितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी 1 बटा 6 है वो हम यहाँ लिख लेंगे। 2 बटा 12, 2 बटा 12 से 1 बटा 6 आया था, 10 बटा 60 से आया था, 16 बटा 96 से, 12 बटा 72 से 1 बटा 6 आया था, तो वो सारे हम यहाँ पर लिख लेंगे एक साथ। ठीक है, 3 बटा 18 से भी आया था और 12 बटा 72 से भी हमारा ये आया था 1/6। जितने से 1/6 आया वो यहाँ लिख लेंगे और जितने से 1/5 आया उन सबको हम यहाँ लिख लेंगे। 3/15, 15/75 और 12/60 से जो है वो 1/5 आया था। ठीक है, अब जितने से 4/25 आया उनको हम यहाँ लिख लेंगे। 4/25 किस किस से आया था, 8/50 से, 16/100 से और 12/75 से आया था, ये रहा, और 4/25 है। तो इस तरह से हमने 3 इसके जो है ना तुल्य भिन्न जो है इसके समूह हमने यहाँ पे बना दी, ये इसके समूह बन गए। ये एक समूह हो गया, 3 समूह बोले थे, ये दूसरा समूह और ये तीसरा समूह। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने इसके इस तरीके से समूह बना लेने। तो यहाँ पे हमारा हो गया प्रश्न 6 तक। अब हम जो है इसकी नेक्स्ट वीडियो में आगे के करेंगे 7, 8 और 9, 10।